हेलो एवरीवन वेलकम टू सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम कैसे हो आप सब लोग जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जल्दी से जुड़ जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा आज के स्पेशल सेशन के अंदर दिस सेशन इज फोकसिंग ऑन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम जो अभी आने वाली है तो उसी एग्जाम के अराउंड लास्ट थ्री मंथ्स करंट अफेयर्स हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट कैन बी इन एग्जाम उसी के ओरिएटेड सेंट अफेयर्स ये दिस सेशन विल बी यूजफुल फॉर द आर आर बी पी ओ आर आर बी क्लर्क के लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगा आई डी बी एग्जीक्यूटिव की एग्जाम जो नेक्स्ट वीक आ रही है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा सो ऑल दोज बैंकिंग एग्जाम्स विच आर कमिंग सून फॉर देम वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन लास्ट थ्री मंथ्स करंट अफेयर्स नाउ समवन आज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द बिल्ट इन इन्फ्लेशन एंड द बॉटल नेक ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर बॉटल नेक का मतलब होता है कि यू हैव इनफ प्रोडक्शन एंड यू हैवफ डिमांड पर ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन इशूज आपका सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रहा है सो बॉटल नेग बन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड नाइनटीन में लॉकडाउन लग गया था सो so, लॉकडाउन के टाइम पे ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट देयर सो बॉटल नेग हम उसे कहेंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट में सपोज जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अगर वहां पे रस्ते खराब हो गए हिमाचल में रस्ते खराब हो गए सो यू हैव द इनफ प्रोडक्शन इनफ डिमांड बट ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू रीच दैट एरिया तो जितना बचा हुआ है वह महंगा हो जाएगा बिल्ट इन इंफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीजें पास्ट में हो गई पर उसका इंपैक्ट अभी भी आपको दिखता है जैसे कोविड 19 के लॉकडाउन खत्म हो गए खत्म होने के बाद भी इन्फ्लेशन अगर दिखाई दे रहा है सो दैट इज कॉल्ड एज अ बिल्ट इन इन्फ्लेशन बॉटल नेक दॉल्ड उस मोमेंट पे ड्यू टू सम इश्यूज पर वो सारे इश्यूज सॉल्व होने के बावजूद भी आपको पास्ट में अगर सॉरी आपको फ्यूचर में अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन दिखता है तो उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन सॉरी बिल्ट इन इन्फ्लेशन इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं तो यही इसका मीनिंग है सो ऑब्वियसली डिफरेंट मीनिंग है और डिफरेंट अप्रोच वहां पर रहेगा चलो तो शुरू करते सेशन को स्टार्ट करते इस आज के लेक्चर को एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट थ्री मंथसिम क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे uh, timing, timing पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग टाइमिंग पर डिपेंड करेगा बट यस पीडीएफ के अंदर आपको हंड्रेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपको भेजा जाएगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो इसे अगर फॉलो नहीं किया होगा तो जल्दी से फॉलो कर दीजिएगा प्लस दोस्तों हमारी सुपर कोचिंग की मल्टीपल बैचेस चलती है और फिलहाल सुपर कोचिंग के अंदर बैंकिंग की तीन नई बैच स्टार्ट हुई है आई बी पी एस आर क्लर्क एंड आई क्लर्क सो ये तीनों बैचेस में अगर आपको एनरोल करना है तो बिल्कुल आप एनरोल कर सकते हैं सो एनरोल करते वक्त आप ये कोड यूज करना मत भूलिएगा ठीक है शुरू करते सेशन को स्टार्ट करते सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा इजी क्वेश्चन है इज ए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिड चलो जल्दी बता दीजिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ एस एस आई जिसे कहते हैं उसका नेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहां पे ओपन किया गया जल्दी से हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर में इसे डिस्कस किया था फ्यू डेज बैक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करते यहां पे इसे ओपन किया गया अगर मोर प्रिसाइज़ली बात करनी है तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य अर्पण भवन ये इसे नाम दिया गया है तो इसके तरफ भी ध्यान रखेगा तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये नया ट्रेनिंग सेंटर है अगर प्रिसाइसली बात करें तो गाजियाबाद एंड नाम भी पे मेंशन किया जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री कैन बी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम एंड इट वॉज आस्क अर्ल्सो सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जाम्स दूसरा

एफ एस एस आई के चेयरपर्सन की बात करें तो जी आ, राजेश भूषण सर ये एफ एस एस आई के चेयरपर्सन है सही कहा आप लोगों ने एंड uh, जीवे की जी के वी राव, सर, so, राव सर ही इज़ द सीईओ ऑफ दिस अथॉरिटी सो राव सर ये अभी सीईओ बने राजेश भूषण सर ये चेयरपर्सन है बिल्कुल बहुत बढ़िया वेरी गुड सिंपल क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छे से पढ़िएगा रिसेंटली इंडिया लॉन्च एशिया परफॉर्मेंस बेस्ट नेविगेशन सिस्टम फॉर हेलीकॉप्टर फॉर द फ्लाइट फ्रॉम जुहू टू पुणे ये स्टार्टिंग फ्लाइट थी यूजिंग विच सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी स्पेस बेस्ट ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल नेविगेशन ओवर द इंडियन एफ आई आर दॉल्ड फ्लाइट इंफॉर्मेश इन्फॉर्मेशन रीजन विदेबिलिटी ऑफ एक्सपांडिंग

निसार ये तो नासा और इसरो का कंबाइन जो सैटेलाइट अपार्चर सिस्टम है उसकी बात करेंगे सागर ये तो नेवी से रिलेटेड है ना सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तो ये तो नहीं बनेगा निसार में हम नासा की मदद लेके लॉन्च करने वाले हैं तो इसका भी सीन नहीं मार्क और मूव नहीं बनता गगन हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था गगन का फुल फॉर्म देखना बहुत जरूरी है बिकॉज यहां पे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बनेंगे देखिए जीपीएस एडेड जियो ऑग्युमेंटेड नेविगेशन ये गगन का फुल फॉर्म है तो स्पेस बेस ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है फॉर द बेटर बेटर रीजनल कनेक्टिविटी फॉर द बेटर रडार सिस्टम सो याद रखिएगा अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कहां से कहां तक इसका टेस्टिंग किया गया यह भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा सो so, गगन उसका फुल फॉर्म uh, exactly इंफॉर्मेशन uh, तो लिखी हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर इसे इंप्लीमेंट किया ये तो सिंपल सा पॉइंट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है अच्छे से पढ़िएगा के okay. यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स है और यहां पे आपको ऑप्शन है ठीक है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर द प्लान एम्स एट वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल बी कवर्ड अंडर द प्लान देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो आपको आंसर मिल जाएगा रीड द क्वेश्चन केयरफुली आंसर क्वेश्चन के अंदर ही आए आराम से आपको मिल जाएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर याद होगा हमने पीआईबी के न्यूज में इसे डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो अमित शाह सर कोऑपरेटिव मिनिस्टर है देखिए यहां पे मिनिस्ट्रीज के नाम देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ठीक है अब आप ऑप्शंस के तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप आंसर तक पहुंच सकते हैं तो आंसर यहां पे आपका देखे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ठीक है देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम मिशन इंटीरियर डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मत्स्य संपदा योजना के इसका ग्रेन स्टोरेज से कोई रिलेशन बनता है या फिर यहां पे कोई फिशरीज मिनिस्ट्री आपको दिखाई दे रही है फूड प्रोसेसिंग इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेन स्टोरेज की बात हो रही है हॉर्टिकल्चर का भी डिस्कशन हो रहा है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि अनाज स्टोर करके सप्लाई करने की जिम्मेदारी ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की होती है जैसे हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोरेजेस देखते हैं सो सिंपल सा लॉजिक है अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते हैं चलो छोड़ो नीचे की लाइन छोड़िए ऊपर की दो लाइन भी पढ़ते हैं तो भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं सो आंसर इज वन टू थ्री फोर कई लोगों ने सही आंसर किया है बहुत बढ़िया देखिए ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ क्या होती है एक तो पढ़ने में काफी लोगों को है कि उनको पढ़ने में बड़ा जान पे आता है यार करियर का सवाल है स्टिल नॉट रेडी टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है बट वही है कि ऑल ऑफ दी दब मार्क करने की एक गंदी सी आदत पड़ी हुई है ड्यू टू सम मॉक्स एंड ड्यू टू सम प्रैक्टिस टेस्ट डोंट डू दैट रीड द क्वेश्चन केयरफुली बड़ा ईजी है चलो एक एक ना सब क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहाँ पे दो चार मिनिस्ट्रीज के नाम है आप मिनिस्टर्स के नाम बता दीजिए कि वो मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है फूड कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ही मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर आती है और फूड प्रोसेसिंग ये किसके अंडर आती है जल्दी बता दीजिएगा फटाफट फड़, ये तीन मिनिस्ट्रीज है कोऑपरेटिव की तो हमने बात कर ली अमित शाह सर कोऑपरेटिव मिनिस्टर है सो एग्रीकल्चर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन थर्ड इज फूड प्रोसेसिंग जल्दी बता दीजिएगा यस yes, नरेंद्र सिंह तोमर सर है जिनके पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आती है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की बात करें तो पीयूष गोयल सर है एंड फूड प्रोसेसिंग ये जी आपने आंसर किया है उसका भी यस yes, पशुपति कुमार पारस सर की बात करेंगे बहुत बढ़िया तो पशुपति कुमार पारस सर वहां पे मिनिस्टर है एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आ, ये तो वही है कि कौन सी कौन सी आ, मिनिस्ट्रीज और वो है उसका एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन आपके आपके रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है थीके? मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों यही है यही सारी स्कीम्स है जो उसका पार्ट बनेगी तो ये भी एक पार्ट याद रखिएगा यहाँ पे मिनिस्ट्रीज के एंगल में सारे स्कीम्स का इंफॉर्मेशन है एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कितना मनी एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कितना मनी एलोकेट किया गया आर आर बी पीओ आर आर बी क्लर्क देने वाले ध्यान रखना आत्मनिर्भर भारत के टाइम पे इसे अनाउंस किया गया था 2020 की बात करेंगे और एक लाख करोड़ का फंड है जो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से निकाल के रखा कि एवरी ईयर के बजट में निकालने की जरूरत नहीं जब फंड क्रिएट हुआ आत्मनिर्भर भारत के अंदर 2020 में तभी एक लाख करोड़ उसके लिए निकाल के रखे तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी तो और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे डिस्कशन है पर वक्त नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पढ़िएगा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन के याद होगा आपको सिटीज 2.0 टू सपोर्ट अ प्रोजेक्ट प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी फोकस ऑन इंटीरियर अर्बन मैनेजमेंट सर्कुलर इकोनॉमी ये भी एक याद रखिएगा अर्बन मैनेजमेंट तो आपको होगा फॉर हाउ मच फॉर हाउ मेनी इस कितने सालों के लिए जी इट कम्स अंडर हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी साहब के मिनिस्ट्री के अंडर योजना आती है ईयर so, की बात करें तो पांच साल के हिसाब से इसके ऊपर काम किया गया है फॉर फाइव इज सो वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम मिनिस्ट्री को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एक और क्वेश्चन है ये वाला याद है आपको फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी देन जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी देन यूरोपियन यूनियन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है अब देखिए रिसेंटली कुछ समय में ऐसी कुछ दो चार पॉलिसीज है जहां पे अलग अलग कंट्रीज की डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व है कहीं पे फ्रांस की कहीं पे कोरिया की कहीं पे केवल जर्मनी की कहीं पे मिक्सर भी है कहीं पे वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है किसी और के साथ तो थोड़ा संभाल के थोड़ा संभाल के नहीं तो यहां का आंसर वहां चला जाएगा और वहां का आंसर यहां आ गया तो फिर निगेटिव मार्किंग हो सकती है इसलिए रिविजन बहुत जरूरी है एक बार पढ़ के मत छोड़ो केवल एमसीक्यू सॉल्व करके मत छोड़ो यू नीड टू रिवाइज आपको रिवीजन करनी बहुत जरूरी रहेगी अगर इसमें सही मार्क्स स्कोर करना है ठीक है हम आगे बढ़ते हैं चलो ये तो 1.06 करोड़ आ, का है या फिर 12 मिलियन यूरोज है जिसका कंट्रीब्यूशन यहां पे रहेगा और टोटल फंडिंग की भी हमने यहां पे बात की थी लास्ट टाइम स्माइल एम्बेसेटर

राज्यसभा मेंबर भारत रत्न भी है और इनका इनको यहां पे एंबेसडर अपॉइंट किया गया है चलो आगे बढ़ते हैं रीड द क्वेश्चन केयरफुली यहां पे ऑप्शन है रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी सर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस ऑर्गेनाइज विज्ञान भवन न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ थ्री सक्सेसफुल इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ठीक है पीएम स्वनिधि कहते हैं एट दिसम स्वनिधि ऐप फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स टू इज द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन टू वेंडर्स रिगार्डिंग स्कीम देर वाज़ ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पी एम स्वनिधिंग इंस्टीट्यूशन एंड देर फील्ड फंक्शनरीज फॉर सोर्सिंग प्रोसेसिंग एंड वेन वॉज द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च फॉर एल आई का मतलब लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जिनसे लोन मिलता है अब जैसे पीएम स्वनिधि बैंकों से भी लोन मिलता है एनबीएफसी से भी लोन किया गया। अगर आप देखोगे, इतना बड़ा है सारी आपको दे दी स्टूडेंट्स क्या याद करते हैं पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा फॉर्म वुल फॉर्म तो सब हो गया चलो इसका आंसर कर दीजिए कि किया गया था so, 2020 2000 योजना भी 2020 की है योजना 2020 की ही है और उसे ऐप के थ्रू ही इंप्लीमेंट किया गया था तो पहले हजार तक का लोन मिलता था अभी उसमें कुछ और नई लोन के ब्रैकेट्स ऐड किए गए कोई बताएगा और कौन से दो लोन के ब्रैकेट्स ऐड किए गए पहले 10000 तक का लोन अवेलेबल था इस प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंदर अभी उसमें और दो ब्रैकेट्स को इंक्लूड किया गया है जी हाँ एक अप टू फिफ ट्वेंटी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड यस बहुत बढ़िया दस हज़ार बीस हज़ार और पचास हज़ार सो ये ऐसे ब्रैकेट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हरदीप सिंह पुरी सर ये हमारे हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है उन्हीं के मिनिस्ट्री के अंडर ये पीएम स्वनिधि काम करती है याद रखिएगा ठीक है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ये तो बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है सो दिक्कत तो नहीं है यस yes, देखिए यहां पे ना कुछ पॉइंट भी है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन विच है रीसेंट ऑफ बड़ोदा यूनियन बैंक आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक देन स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ये कुछ एग्जाम्पल्स है दोज परफॉर्म वेल तो मैंने आपको अभी कहा था कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में बैंक्स भी आएगी कि यू कैन सी भी आ सकती है तो कई बार स्टूडेंट्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को कुछ और समझते बैठते है।, है।, है ऐसा नहीं है देर कैन बी सम एफ सो उसमें से जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उसमें से कुछ लोगों के नाम यहाँ पे किए स्पेशली जो आरआरबी की एग्जाम दे रहे यहां पे ध्यान रखेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अंडर हैोबर्धन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ति इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट आउट ऑफ 500 प्लांट्स 200 प्लांट्स विल बी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स गोवर्धन का फुल फॉर्म दे दिया अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए ये झटका बैठ सकता है जो केवल वन लाइनर पढ़ते हैं कि गोबरधन का फुल फॉर्म पढ़ लिया चले गए like okay? पढ़ो अच्छे से पढ़ो आपको पता है आप सब लोग जानते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसे डिस्कस भी किया था इसके बारे में जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल आर करेक्ट सारे के सारे करेक्ट है ठीक है सो नथिंग इज रॉन्ग 500 हंड्रेड यहां पे

हमें डिटेल में पढ़ना अगर है तो मल्टी स्टेटमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन सो जिससे चीजें काफी डिटेल में पता चलती है और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है तो यही रीजन उसके पीछे उम्मीद करता हूँ कि आप इससे काफी कुछ समझ पाओगे आ, यस बाकी तो सब कुछ क्लियर था फुल फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी ओके आ, चलो मैं हाँ एक और पॉइंट टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ टेन थाउजेंड करोड़ ये एक पॉइंट है जो हमारे इसमें मेंशन नहीं किया गया था तो यहां रखेगा अगेन पांच न्यू वेस्ट टू वेल्थ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी इज गोइंग टू सेटअप अ गीगा फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल एंड एस्टिमेटेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वन थर्टी बिलियन रुपीज इन गुजरात वन पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर एंड वन थर्टी बिलियन रुपीज इन गुजरात कौन सी कंपनी जो लिथियम आयन प्लांट क्रिएट करने वाली है जल्दी बता दीजिएगा अगेन रिसेंट करंट अफेयर है इज टाटा ग्रुप दोस्तों यहां ध्यान दो ना लिथियम आयन सेल वेदांता फॉस्कॉन के ये फॉस्कॉन क्या क्रिएट करती है इज़ रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ हार्डवेयर फॉर मोबाइल फॉस्कॉन लिथियम बैटरीज़ या लिथियम सेल में काम नहीं कर रही है इट इज वर्किंग ऑन द पार्ट ऑफ मोबाइल हार्डवेयर्स। यह बहुत हो गया तो ये सेमीकंडक्टर्स में काम करेंगे सो अगेन दिस का करंट अफेयर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इफ यू इवन डोंट नो यू कैन आंसर इट बिकॉज ऑप्शन देख के हम थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई uh, कर सकते हैं बट एनी वेज कोई बात नहीं ध्यान रखिएगा आगे गलती नहीं होनी चाहिए चलो रिसेंटली आरबीआई प्रपोज अ फ्रेमवर्क फॉर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी विथ एन एम्फोसिस ऑन साइबर रेजिलियंस टू इंप्रूव सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पीएसओ कहते हैं

जो पेमेंट सिस्टम में काम कर रही है तो उनके लिए क्या टाइमलाइन दिया है नियमों को फॉलो करने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा अगर आर बी आई को थोड़ा सा पड़ा है देन यू कैन आंसर सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर लार्ज फॉर स्मॉल एंड फॉर सॉरी फॉर मीडियम एंड फॉर स्मॉल ठीक है तो ध्यान दीजिएगा लार्ज के लिए टाइम फ्रेम जल्दी है दो हजार चौबीस मीडियम के लिए 26 है और स्मॉल के लिए 28 है सब जगह फर्स्ट ऑफ अप्रैल ही मेंशन किया गया पर्पस क्या है साइबर सिक्योरिटी इज द मेन पर्पस की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तो जो भी आरबीआई के नियम है नॉन बैंक पीएसओ बैंक पीएसओ को तो ऑब्वियसली अभी से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है पर आपकी बैंक नहीं है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड खर्च करना पड़ेगा उसके लिए तो बड़ी अथॉरिटी है तो जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए छोटी छोटी अथॉरिटी है तो 2028 तक भी आपको वक्त मिल जाएगा तो ये पॉइंट याद रखेगा है गड़बड़ कहां पर होती है इस क्वेश्चन में हम लार्ज वाला जो ईयर है हम स्मॉल में डाल देंगे क्योंकि हमें लगेगा छोटी अथॉरिटी है तो पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा नहीं लार्ज अथॉरिटी है तो आपके पास कस्टमर बेस भी बड़ा है सो so, आपको जल्दी काम करना पड़ेगा स्मॉल अथॉरिटी है तो कस्टमर बेस थोड़ा सा ज्यादा नहीं है अभी अभी आप इवॉल्व हुए तो यू कैन टेक योर टाइम बट जो बड़े अथॉरिटीज है उनको तुरंत इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ध्यान रखिएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से पढ़िएगा <clears throat> बीमा वाहक

जो बैंकों के लिए थोड़ा सा जहां पे बैंक नहीं होगी वहां पे वो जाते हैं बैंक सखी बैंक मित्र वैसी बीमा का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बीमा वाहक नाम का कंसेप्ट है रूरल एरिया में जाएंगे इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इंश्योरेंस का अवेयरनेस क्रिएट करेंगे किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी होगी तो उसे हेल्प भी की जाएगी तो दो तरीके से लोग काम करते हैं एक कॉरपोरेट और एक इंडिविजुअल के दो तरीके से तो दो तरीके बीमा वाहक रहेंगे एक रहेगा जिसका क्लाइंट रहेगा बिजनेसेस क्योंकि विलेजेस के अंदर भी छोटे बड़े दुकानदार होते हैं कोई कमर्शियल अथॉरिटी होती है उनके लिए और इंडिविजुअल्स फिर वो पर्सनल इंश्योरेंस के एंगल में वर्क करेंगे इंडिविजुअल इंश्योरेंस के एंगल में वर्क करेंगे नया कांसेप्ट है आप में से कई लोगों ने शायद इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा दूसरा एक बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट है थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन कि सर मैं आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम दे रहा हूं तो क्या इंश्योरेंस के बारे में पढूं कि नहीं पढूं दोस्त आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम है या फिर एसबीआई की एग्जाम है या फिर एल की एग्जाम exam है एग्जामिनर डिफरेंशिएशन नहीं करता है कि तुम्हारी इंश्योरेंस की एग्जाम है तो केवल इंश्योरेंस पूछेंगे आरबीआई की एग्जाम है तो केवल आरबीआई पूछेंगे ऐसा नहीं है इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है क्वेश्चन माना कि इंश्योरेंस में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है पर ये न्यूज में अगर चल रहा है तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहां पे याद रखिएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन मत कीजिए आपके लिए डेंजरस बन सकता है ठीक है सो दिस इज अहक सो बीमा वाहक इज लाइक पीपल हु विल क्रिएट द अवेयरनेस ज एस्टेब्लिश राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड है हमने डिस्कस किया था राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड के ऊपर हमारी बात हुई थी कि लिटरेचर का अवार्ड है और इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर बैंक है क्रिएट किया कि जिन्होंने हिंदी भाषा में काफी अच्छा लिखान किया है राइटिंग की है लिटरेचर क्रिएट किया है उनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा सो आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा क्रिएटेड सच काइंड ऑफ कंसेप्ट आ गया सिंपल क्वेश्चन बेटा आरबीए ग्रेड भी अस्सी क्वेश्चन आते हैं अस्सी में यही सीन होता है एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट दूसरा क्वेश्चन एकदम ईजी तो क्या होता है जो होती ना एग्जाम में वहां से एकदम डिफिकल्ट से एकदम ईजी तो स्टूडेंट पहले लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा वो उसका सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो जाता है और यहां पर फिर सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में गलतियां होती है इसीलिए सही तरीके से पढ़ो इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैं लेके आया क्योंकि आरबीआई ग्रेड भी ये बहुत कॉमन चीज है कि जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग होने के बावजूद 80 में से 60 भी नहीं आ पाते 50 भी नहीं आ पाते 40 भी नहीं आ पाते और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ का नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए न्यू सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है जल्दी आंसर कर दीजिएगा यस yes? मोहसिन खान इज वन ऑफ द अवार्ड विनर लंबी चौड़ी लाइन है लंबी चौड़ी लाइन है अवार्ड विनर्स की ही इज वन ऑफ द अवार्ड विनर ध्यान रखिएगा देवदत्त चंद सर की बात करेंगे बहुत बढ़िया एक और बताइए मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन कौन है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ दिनों पहले नाम डिस्कस किया था याद होगा करंट अफेयर्स के लेक्चर में उनका नाम डिस्कस किए थे हमने सो आपने सीईओ का नाम तो सही बता दिया एमडी सीईओ और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन दिया वन यस बहुत बढ़िया वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट चलो तो या, मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट श्री धर्मेंद्र प्रधान सर रिलीज यूजीसी रेगुलेशन 2023 व्हाट इज अ कॉर्पस रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डीम यूनिवर्सिटी एज पर रिवाइज रेगुलेशन ध्यान दीजिएगा सो यूजीसी हमारे पास है यूजीसी uh, का काम होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला वो सारा रेटिंग देना और कॉलेजेस कैसे वर्क कर रहे उसको रैंकिंग देना ये उनका काम होता है तो यूजीसी के द्वारा जो रिवाइज है उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आ, अपने आप को दर्ज करवाना होगा तो इनिशियल कॉर्पस क्या दिखाना पड़ेगा आंसर करोड़ बहुत किसी ने सही आंसर किया क्वेश्चन मार्क आप हटा दीजिए आपका आंसर एकदम सही है टू करोड़ की बात करेंगे वेरी गुड खुशबू जी वेरी गुड स्ट्राइक एब्सोल्युटली राइट बियर यस एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया सो आंसर इज टू करोड़ ओवर ईयर एक क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल वाला यूजीसी के हेड कौन है उनका नाम बता दीजिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फिलहाल हेड कौन है उनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा देखते कितने लोग आंसर करेंगे हमने डिस्कस किया अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंदर फटाफट फड़? जी जगदीश कुमार सर की बात करेंगे बहुत बढ़िया जगदीश कुमार सर यहाँ पे हेड है ओके एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जी नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, ध्यान दीजिए मैं थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूं क्योंकि यहां पे शायद समझने में दिक्कत जाएगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फ्रेमवर्क सॉरी रैंकिंग फ्रेमवर्क बैंकिंग में खुद ही गलत पढ़ लिया सो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क को लेकर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है पांच स्टेटमेंट आपके पास है the parameters of ranking includes teaching learning resources research and professional practice graduation outcomes outcomes outreach inclusivity peer perception b the ranking has 13 different sub rankings बेंगलुरु है ओवरऑल एनआईआर 2023 Miranda House has topped the कॉलेज रैंकिंग None are incorrect. कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो पांच ऑप्शंस है क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इनकरेक्ट क्या है सिंपल है आप सब लोग आंसर कर पाएंगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे मल्टीपल ऑप्शन वाला सीन नहीं. तो कोई एक ही इनकरेक्ट रहेगा यस क्योंकि कौन है

अगर आपने सही से पढ़ाई की है आपने बहुत ऑनेस्टली पढ़ाई की है तो आप आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सोच समझ के पढ़ाई करनी है सो दैट इज अ केस अब देखिए पैरामीटर्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे वो तो ऑप्शन के अंदर ही दे दिए उन्होंने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी के ओवरऑल आईआईटी मद्रास यूनिवर्सिटी में आईएससी बेंगलुरु कॉलेज में मिरांडा हाउस रिसर्च में बात करें साइंस सॉरी आईएससी बेंगलुरु अगेन इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास मैनेजमेंट आई आई अहमदाबाद ये फार्मेसी मेडिकल डेंटल लॉ आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन सबके नाम है इनोवेशन में आईआईटी कानपुर ध्यान रखना यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे कि इनोवेशन के अंदर सबसे टॉप मोस्ट आईआईटी कौन सी है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है ठीक है चलो सो so, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेन वॉज द यूएस इंडिया इनिशिए ऑन क्रिटिकल एंड इमरजिंग टेक्नोलॉजी अभी डिस्कस किया था मोदी साहब गए थे लॉन्च टू एलिवेट एंड एक्सपांड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज सो वी डिस्कस दिस रिसेंटली, वेरी रिसेंटली मोदी साहब के यूएस टूर के डिस्कशन के टाइम पे चलो बता दीजिएगा कि इस कंसेप्ट को कब बनाया गया और मैंने पी आई बी पढ़ाते वक्त यह बताया भी था कि आईसी टी कंसेप्ट कब क्रिएट हुआ है कब लॉन्च हुआ है सो दिस कंसेप्ट वी आर लॉन्च इन लास्ट ईयर लास्ट ईयर इस कंसेप्ट को लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह साहब का इसके लॉन्चिंग में बहुत बड़ा रोल था आई सी ई टी ध्यान रखिए फुल फॉर्म यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फिलहाल डिफेंस के एंगल में ये काफी चर्चा में चल रहा है क्वेश्चन थोड़ा उल्टा भी आ सकता है ये बता देंगे ये बता देंगे है पूछेंगे कौन से दो कंट्रीज के बीच में तो वो आंसर करना काफी इजी बन जाएगा मोदी साहब के रिसेंट विजिट के हिसाब से चलो आ, वही है पॉइंट विच आर मेंशन हाँ एक और पॉइंट इस, इसके ऑब्जेक्टिव केवल डिफेंस नहीं आएगा इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप 5g यहाँ पे 5g रह गया 5g 6g टेक्नोलॉजीज स्पेस सेमीकंडक्टर्स इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिसर्च इनोशन सब की बात होगी नॉट ओनली डिफेंस रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस यस ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन फॉर द एलो स्टार वेरी सिंपल मोदी साहब को भी इजिप्ट के तरफ से अवार्ड मिला 13 कंट्रीज के हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब के पास है कल मैंने टेलीग्राम पे भी वो शेयर किया था ठीक है चलो इसका आंसर कर दीजिए प्रेसिडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर और एक और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कल आ, मैंने आपको साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था नाउ okay? निर्मला जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एंड उन्होंने भी थर्टीन कहा So, शुरू हो गया कि 30 कंट्रीज के अवार्ड 30 कंट्रीज के अवार्ड, और चलो 13 का किसी ने शायद 30 सुन लिया होगा गलती होती है पर भाई साहब ने उसके बाद 30 कंट्रीज के नाम भी निकाले अरे मिला 13 कंट्रीज का है 30 कंट्रीज के नाम निकाले कहां से आपने तो एक ना जोश जज्बात और आ, फेक न्यूज डिलीवर करने का भी एक अलग ही एक फोकस होता है वो दिक्कत है दूसरा ड्रोन हमने बात की थी कि मोदी साहब यूएस गए तो जाने से पहले हमने बात की ड्रोन्स का एक एग्रीमेंट होगा ड्रोन्स के एग्रीमेंट में इशू हुआ कि पैसा पैसा जो है ना उसके ऊपर अभी भी चल रहे इसलिए ड्रोन को लेके कोई डिस्कशन हमने किए नहीं या आपको देखने को भी नहीं मिले इवन पीआईबी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वहां पे यूएस यूएस में मोदी साहब के विजिट के बाद ड्रोन का जिक्र आपको नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज पैसों को लेकर निगोशिएशन अभी भी चल रहे कल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन दी बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने गूगल पे फेक इंफॉर्मेशन डाल दी ट्विटर पे डाल दिया कहीं पे कि इतने करोड़ में एग्रीमेंट हुआ ये हुआ उन्होंने कहा कि द निगोसिएशन इज स्टिल गोइंग ऑन सो देर इज नो एग्जैक्ट वैल्यूएशन कितने में हम खरीदने वाले बिफोर गोइंग टू यूएसए एक प्लान बनाया था पर वो प्लान यूएस जाने के बाद निगोसिएशन में चला गया सो देर इज स्टिल एट टू कंफर्म तो याद रखना इसीलिए मैंने ड्रोन को लेके आपके साथ डिस्कशन नहीं किए थे आफ्टर मोदी साहब विजिट तो फैक्ट चेक वाला पॉइंट बहुत जरूरी है नहीं तो फेक न्यूज दिमाग में आ जाएगी विच इज आउटले ऑफ फॉर सेंट्रल सेक्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स चलो बताइए ये भी आ, हमारे गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट था रिसेंटली एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम जल्दी से मुझे बताइए हमारे देश के कोल मिनिस्टर कौन है है कोल मिनिस्ट्री किसके पास आती जी पे आंसर आपका एट जीरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कैबिनेट के अनाउंसमेंट के, के, के अंदर ये डिस्कशन किया गया था कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया जल्दी से नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा प्रहलाद जोशी सर बहुत बढ़िया वेरी गुड ये एक्सप्लेनेशन है ध्यान रखिए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अमाउंट वाला पॉइंट ज्यादा मैटर करेगा इस न्यूज के अंदर थ्री डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल के ऑल्सो नोन एज शिक्षा महाकुंभ ऑर्गेनाइज कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था वेरी सिंपल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल राइज 2023 आल्सो कॉल्ड एज शिक्षा महाकुंभ कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था अन इजी क्वेश्चन जी आंसर इज एनआईटी जालंधर एनआईटी जालंधर के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अ लोकेशन बेस्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ अ फैक्चुअल बेस्ट क्वेश्चन ठीक है uh, <coughs> यस yes, बाकी तो ठीक है यस एन आई टी जालंधर का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया इस नाम से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बाकी तो ठीक है या यहाँ पे थीम लिखी है भारतीय ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न एजुकेशन फॉर सिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यहाँ पे प्रेजेंट थे उनके पास यूथ स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आती है अनुराग सिंह ठाकुर सर की बात करेंगे इनके पास वो मिनिस्ट्री ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है बिकॉज़ पे स्कूल्स की बात हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे यहां अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर सर यहां पे प्रेजेंट थे चलो दोस्तों ध्यान दीजिए अनदर क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस टू प्लेस इन शिलोंग मेघालय लॉन्च इन डिसेंबर द ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटेजी एम्स टू वर्क टूवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स आइडेंटिफाइड बाय द पैरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द ट्वेंटी थर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द ग्लोबल गेटवे एम्स टू मोबलाइज अपमेंट के कितना इन्वेस्टमेंट मोबालाइज करने की बात हो रही है और कौन से साल तक इयर के और इन्वेस्टमेंट मोबलाइजेशन चलो यहाँ पे सीन कैसा है लॉन्च इन दिसंबर ये जो ईयर है यहाँ पे थोड़ा सा एक आ, जो आ, हमने एक डॉट क्रिएट किया था वो शायद हट गया एडिटिंग में तो दिसंबर 2021 में सबसे पहले ये डिस्कशन हुआ उसके बाद अमाउंट की बात करेंगे तो 300 बिलियन यूरोस की बात करें यूरोपियन है तो यूरोस की बात करेंगे और अच्चू कब तक करना है 2027 तक सो so, तीन ये रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था हार्डली डेढ़ महीने पहले की बात है तीन पॉइंट है एक पॉइंट एडिटिंग में थोड़ा मिस हो गया सो so 2021 में इसको लॉन्च किया गया अमाउंट 300 बिलियन यूरोस का है और टारगेट ईयर 2027 है तो कंफ्यूजन के लिए माफी मांगता हूं बट आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा स्टेट ये भी एक जरूरी पॉइंट है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस एंड एक दो तीन चार के ये चार स्टेटमेंट्स आपके लिए ध्यान दीजिए मिहिर मिशन की सॉरी माहिर मिशन की बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूबल एनर्जी हैव जॉइंटली लॉन्च माहिर मिशन टू यूज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द स्कीम इन करेक्ट स्टेटमेंट दिशन टू टीयर स्ट्रक्चर एक माहिर विडेमी ऑफ गवर्नमेंट कोलेबरेट इको सिस्टम फॉर इनोवेशन द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ठीक है टू ट्वेंटी थर्टी

24 25 की बात नहीं कि अभी लॉन्च किया ना सो so, अभी लॉन्च किया तो 23 24 तो ऑटोमेटिकली यहां का भी ईयर बदल जाएगा 27 28 तो ईयर वाला गड़बड़ था बाकी सारे पॉइंट सही थे आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं अच्छे से ताकि गड़बड़ ना हो अब माहिर का फुल फॉर्म देखिए मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च ये माहिर का फुल फॉर्म है दो सब ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे एक टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी और एक अपेक्स अपेक्स का मतलब सबसे बड़ी कमेटी और सबसे बड़ी होगी उसे मिनिस्टर साहब लीड करेंगे और जो आपकी टेक्निकल कमेटी है उस टेक्निकल कमेटी को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन लीड करेंगे यह पॉइंट याद रखिएगा सो माहिर इज अ पार्ट ऑफ पावर मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री इसका ये पार्ट है ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चलो वेर इज द इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बींग डेवलप्ड सिंपल क्वेश्चन पे आ गए डिफिकल्ट से डायरेक्टली सिंपल यस आंसर इज ठाने यस एब्सोल्युटली भिवंडी देखिए यार मैं ना बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आर बी ग्रेड बी के लेक्चर्स क्यों नहीं लिए या क्या नहीं किए ये स्पेशल सेशन है इसको क्रिएट करने के लिए, लिए लिटरली बहुत वक्त लगा कि काफ़ी मेहनत लगी इसको संडे को ही लेना था पर सारा क्वेश्चन नहीं हो पाए या सही तरीके से नहीं बने और फिर रिस्पॉन्स देखिए ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं ना फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों ही पढ़ाए ऐसा लगता है कि छोड़ दो जाने दो पढ़ाना छोड़ ही देते फिर वही पढ़ाते वन लाइनर उसी में मज़ा आते हैं सबको सही से किसी को पढ़ना है नहीं सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी है सबको शॉर्टकट्स चाहिए तो यार थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखिए फिर आ, फिर वो स्टेटमेंट्स आते कि पढ़ाते नहीं हो ये नहीं करते हो वो नहीं करते हो वही वही क्वेश्चन बार बार आते क्यों क्यों ना करें क्योंकि रिस्पांस अगर ऐसे मिलेंगे तो फिर दिक्कत जाएगी इतनी जान तोड़ के आपको पी सिखाया पी में बोला कि ये पढ़ो वो पढ़ो कितने लोग पढ़ते हैं दस लोग बीस लोग जब से पीआईबी शुरू कर दिया व्यूज कम हो गए क्या करे बताइए छोड़ दे पढ़ाना अच्छी क्वालिटी का पढ़ाओ तो प्रॉब्लम बुरी क्वालिटी का पढ़ाओ तो प्रॉब्लम करे क्या तो थोड़ा ध्यान दो यार थोड़ा सा सीरियस बनो क्वेश्चन टाइम पास के लिए नहीं आए हैं अच्छे क्वेश्चन है डिस्कशंस करते हैं <coughs> नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ रुपीजन करोड़ टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन ऑन वन हैंड एंड टू गिव मिल्क प्रोड्यूसर अ फेयर प्राइस फॉर द प्रोड्यूस इन दिलेज इट सेल चलो बताइएगा नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम बिलोंग्स टू विच स्टेट बड़ा सिंपल है बहुत सिंपल है नीचे वाला दो तीन लाइन दो लाइन नहीं पड़ी तो भी चल जाएगा आंसर इज उत्तर प्रदेश के अंदर इसको शुरू किया गया ओके एंड अमाउंट के तरफ ध्यान रखिए इनकेस अगर क्वेश्चन पूछ ले चांसेस थोड़े कम है बट स्टिल यू शुड नो नेक्स्ट विच कंपनी द वरुणास्त्र शिप लॉन्च सब एंटी सबमरीन हेवी वेट टॉर्पीडो वी डिस्कस दैट वरुणास्त्र के ऊपर हमारी बात हुई थी uh, कि एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है उसका रिसेंटली टेस्टिंग भी हुआ क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसका प्रोड्यूस प्रोडक्शन के लिए किसे अप्रूवल दिया गया भारत डायनामिक्स देखिए डीआरडीओ क्रिएट डेवलप दिस डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है प्रोडक्शन कौन करेगा तो भारत डायनामिक्स के पास ये अधिकार दिए कि आप इसे प्रोड्यूस कीजिए टॉर्पीडो है के एंड विच इज एंटी सबमरीन शिप की बात यहां पे नहीं हो रही है आरबीआई अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन 2021 टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एफआई इंडेक्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पोस्टल पेंशन सेक्टर इज व स्कोर रेंज यहां से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ देखो एक तो एफ आई इंडेक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कब लॉन्च हुआ पहला पॉइंट आपके लिए दूसरा पॉइंट इस एफ आई इंडेक्स के अंदर क्या क्या कैलकुलेट करते हैं केवल बैंकिंग कैलकुलेट नहीं होती है इन्वेस्टमेंट्स है उसका भी कैलकुलेशन होगा जैसे हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते म्यूचुअल फंड एंड ऑल वो भी है इंश्योरेंस भी कैलकुलेट होगा पोस्टल भी कैलकुलेट होगा बिकॉज पोस्टल के थ्रू भी काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है और पेंशन सेक्टर भी कैलकुलेट होगा तो पांच सेक्टर के कैलकुलेशंस आपको एफआई इंडेक्स के अंदर दिखाई देंगे तो इसमें रैंकिंग का क्या सीन है जीरो टू हंड्रेड की रैंकिंग दी जाती है जीरो का मतलब ऑब्वियसली इंक्लूडेड है. मतलब है, है. So, है. है अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों चल रहा था बिकॉज ऑफ दिस अंतरदृष्टि नाम का एक डैशबोर्ड क्रिएट किया गया आरबीआई के द्वारा याद होगा आपको और ये डैशबोर्ड एफआई इंडेक्स फिनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन के इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए क्वेश्चन एफ इंडेक्स का था रीजन उसके पीछे ये था तो ये करंट की न्यूज है एंड रेफरेंस थोड़ा पास से लिया गया तो यही है कि जनरल uh, अवेयरनेस का सिनारियो याद रखिए ठीक है uh, आगे बढ़ते हैं एस सी एन एस सी लॉन्च एंड सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर कंपनीज दैट हैव मार्केट कैप फॉर लेस देन ध्यान दीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है इन्होंने सर्वेलेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया उन कंपनियों के लिए जिनका मार्केट कैपिटल मार्केट कैप का मतलब है मार्केट कैपिटल ये कम है के कितना 500 करोड़ से कम जिनका मार्केट कैपिटल ज्यादा उनके ऊपर सर्वेलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस होता है काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है पर जिनका मार्केट कैपिटल कम है वो भी सर्वेलेंस के अंदर आने चाहिए इसलिए सेबी की बात नहीं करेंगे बी एस ने डिसाइड किया और फिर सेबी ने उसको uh, दिया नॉट ओनली इंडिया ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट बट वो ओरिजिनली रीजनल स्टॉक मार्केट था इंडिया का पहला नेशनल लेवल स्टॉक मार्केट इज एनएससी बाद में बीएससी भी नेशनल लेवल बन गया पर बीएससी पहले रीजनल लेवल था तो अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करें तो 1875 फर्स्ट स्टॉक बी एस सी एंड द फर्स्ट नेशनल स्टॉक मार्केट इज एन एस सी ध्यान रखिएगा यार ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का ना एक्सप्लेनेशन थोड़ा इधर आ गया ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई पर कोई बात नहीं मैं आगे बढ़ता हूं उ मच मनी इज द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड इन टेन इन कन्वर्टेबल का मतलब होता कि हम shares में कन्वर्ट नहीं कर सकते डिवेंचर का मतलब बॉन्ड होता है मीन्स मार्केट में बॉन्ड्स जब बेचते हैं तो कॉल्ड एज अ डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल का मतलब यू कॉन्ट कन्वर्ट दोचर इन टू शेयर कन्वर्टेबल होगा तो आप उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो सो so, हाउ मच मनी इज नैब फीड इज गोइंग टू रेस डिस्कस किया हुआ है। इसके ऊपर हमारी बात हुई थी चेयरमैन और नैब फील के एम डी सी ओ दोनों के नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा दस हजार करोड़ की यहाँ पे बात करेंगे टेन थाउजेंड करोड़ तो जल्दी कमेंट सेक्शन में नैब फीड के एम डी सी ओ और नैब फीड के चेयरपर्सन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2021 में इसका ऑफिशियली एक्ट पास हुआ और फिर अथॉरिटी ने काम करना शुरू कर दिया के वी सर इसके चेयरपर्सन है राजकीन रायजी सर ये इसके फिलहाल एम डी सीओ है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सो so इसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस कैटेगरी में आरबीआई इंक्लूड करती है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है तो नाबार्ड आता है इसके अंदर एनएचबी आता है इसके अंदर सिडबी आता है और इसके अंदर हम बात करते हैं कि वी हैव एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भी आती है तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाबार्ड एन एच बी सिडबीम और ये पांचवा अथॉरिटी नैब है इक्कीस में इसका लॉ बना के वी कामतर चेयरपर्सन राज राजन राय जी सर एमडीसी इज द रैंक ऑफ केरला गोवा जम्मू कश्मीर इन द स्टेट फूड इंडेक्स 2023? क्लियर सब कुछ आपके सामने डाल दिया अभी तीन स्टेट्स की रैंकिंग बताओ एक लार्ज स्टेट कैटेगरी एक स्मॉल स्टेट कैटेगरी और एक यूनियन टेरिटोरी वाला कैटेगरी और तीनों में

यूटीज। इनके सबके नाम है के? और सबसे टॉप मोस्ट इज केरला इन हीर। यहाँ पे गोवा सबसे टॉप मोस्ट और यहाँ पे जम्मू एंड आ, कश्मीर की बात करेंगे केरला कहा गया यहाँ पे केरला दिख नहीं रहा हाँ। सॉरी केरला ओके दैट्स इट चलो ये पिछले कुछ सालों की रैंकिंग ये किसी काम की नहीं है एक्स्ट्रा स्लाइड मिल गई थी डाल दी आपके लिए पर वो किसी काम का है नहीं ओलंपिक्स की टीम भी गई अनुराग सिंह ठाकुर सर ने टीम को अलविदा भी किया था जाने के लिए सो स्पेशल ओलंपिक किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर इज जर्मनी Uh, जो ओलंपिक्स है 2024 का वो कहां पे होने वाला है 2024 का ओलंपिक्स कहां पे होने वाला है कोई बताएगा मुझे जल्दी से आंसर कर दीजिए uh, हमने उस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे के टाइम पे डिस्कस भी किया था कि नेक्स्ट ईयर का ओलंपिक्स कहां पे होने वाला है जी हाँ इट विल बी इन पेरिस वो पेरिस के अंदर है और ये स्पेशल ओलंपिक्स मोस्टली जो इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है होता है ना कभी कभी uh, कोई एज से तो बड़े हो जाते पर मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है डाउन सिंड्रोम जैसे होते हैं कि जिनकी मेंटल कैपेबिलिटीज छोटे बच्चे की ही रह जाती है ओके सो सच काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज अ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यस इंटेलेक्टीज कंट्री इंडिया स्टार्टेड 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम ये किस कंट्री के साथ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया चलो आंसर कर दीजिए इसका अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू स yes, बांग्लादेश के साथ इसको शुरू किया गया बहुत बढ़िया एप्सोलूटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल एम्स टू प्रिवेंट फ्रॉड सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉज फॉर के वाई सी बैंकिंग फ्रॉड थ्रू मोबाइल सो रिसेंटली कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया कि आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स गलत आइडेंटिटी दिखा दी के फेक करवा लिए या कोई बैंकिंग का फ्रॉड किया तो उसे पकड़ने के लिए कौन सा एक एप है या कौन सा पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया आंसर इज संचार साथी याद होगा आपको ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया ताकि कुछ फ्रॉड्स ना हो सो संचार साथी की बात करेंगे संचार साथी इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया था तो यहाँ पे हमारी आईटी मिनिस्ट्री आती है उनका बहुत बड़ा रोल है अश्विनी वैष्णव सर उसके हेड है सो so, यहां पे बैंकिंग लिखने के बाद पता है क्या होता है कि सपोज क्वेश्चन पूछ लिया कि हु लॉन्च दिस ऐप और हु क्रिएटेड दिस ऐप बैंकिंग लिखा है ऑप्शन में या आपके क्वेश्चन में तो लोग आरबीआई की तरफ जल्दी जा सकते हैं बट दिस इज क्रिएटेड बाय द टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री क्रिएटेड बाय द आईटी मिनिस्ट्री संचार संचार की बात हो रही है टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री थोड़ा ध्यान रखेगा भी यहाँ पे यूज किया जाएगा सो so, थोड़ा सा वो पॉइंट याद रखेगा बाकी तो इनफ है जा ये आपके ऑप्शन है और ये आपके कुछ स्टेटमेंट बेस वाला पॉइंट है स्टेटमेंट तो नहीं है चलो <coughs> सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल कि उसकी यहां पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स मेड बाय सिटीज एंड वार्ड अक्रॉस द कंट्री टू क्रिएट ब्यूटीफुल इनोवेटिव इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस अंडर दिस कॉम्पिटिशन वार्ड्स एंड पब्लिक स्पेसेस इन सिटीज वुड बी जज अगेंस्ट देयर फाइव ब्रॉड पिलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग देम पांच इसके अंदर है, फॉलोइंग इज नॉट द पिलर कौन से पिलर नहीं है के? तो ये पॉइंट सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन दूसरा पॉइंट मिनिस्ट्री का के तीसरा पॉइंट सिटीज और Wars वाला, चौथा पॉइंट यहां पे पांच ब्रॉड पिलर है और बाद में फिर क्वेश्चन है कि नॉट अमोंग सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अमोंग देम ये इसके अंदर नहीं आता चलो एक बार देख लेते ध्यान दीजिएगा एक्सेसिबिलिटी एम्यूनिटी एक्टिविटीज एस्थेटिक्स इकोलॉजी बहुत जरूरी होगा तो सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट यहां पर नहीं है तो यह एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा ठीक है uh, बाकी तो इनफ है बाकी और कुछ नहीं मैं आगे बढ़ता हूं डायरेक्टली चलो नेक्स्ट अब ये सिंपल ये क्वेश्चन है भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा यहां पे करेक्टली मैच है करेक्टली पेयर है बताइएगा के okay, चलो बताओ भोपाल इन मध्य प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एस डी इज करेक्टली मैच काइंड ऑफ अ स्टैटिक क्वेश्चन की भोपाल की न्यूज बता दी और फिर यह पूछा कि एसडीजी की रैंकिंग बताइए मैंने कई बार आपको कहा कि आपके स्टडी टेबल के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चार्ट चिपका के रखिए हमेशा पढ़ने के लिए तो चलो बताओ फटाफट विच इज करेक्टली मैच नथिंग इज करेक्टली मैच कोई भी करेक्टली मैच नहीं है सारे के सारे गलत है सारे के सारे रॉन्ग है नंबर वन इज नो पॉवर्टी नंबर वन इज नो पॉवर्टी तो सबके सब गलत है लाइफ बिलो वाटर इज फोर्टीन यहाँ पे देखिएगा सो so, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वी नीड टू स्टडी जेंडर इक्वेलिटी पांच के अंदर आता है एक के अंदर नहीं आता है सो एब्सुलटली नथिंग इज करेक्ट ओवर योर सारे के सारे गलत हो गए याद रखिएगा न्यूज भोपाल की है डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट एस डी जी एट द लोकलाइज लेवल बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबसे पहला सिटी जिसने एस डी जी लोकलाइज लेवल पे इंप्लीमेंट करके अचीव करने का अनाउंसमेंट किया पर क्वेश्चन पूछते वक्त एग्जामिनर कैन आस्क इन वेरी डिफरेंट वे उसका एग्जाम्पल आपके सामने था जिच ऑफ द फॉलोविंग एक्सरसाइज डू इंडिया एंड यूके होल्ड टूगेदर अनादर वेरी इजी क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ईजी है इंडिया यूके एक्सरसाइज का नाम यहां पर पूछा हुआ है जी आंसर इज अजया वॉरियर की बात करेंगे ये किसके साथ है ये किसके साथ है ये किसके साथ है और ये किसके साथ है चलो जल्दी आंसर कर दीजिए वज्र प्रहार विनबैक्स युद्ध अभ्यास एंड इक्यूवेरिन ये चार किस किस कंट्रीज के साथ है जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में डालिए इजी है और सारे रिसेंटली डिस्कस किए सबके ऊपर रिसेंटली हमारी बात हुई थी सबके ऊपर <coughs> वियतनाम ठीक है यूएस और मॉल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड सो दिस इज मॉल दीवस यूएस वियतनाम ये तो नाम से समझ में आता है ये भी यूएस है एब्सोलूटली राइट वेरी गुड जी अजय वॉरियर के अंदर रॉयल गोरखा राइफल्स फ्रॉम द यूके पार्टिसिपेटेड एंड बिहार रेजिमेंट फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड सो रॉयल गोरखा राइफल्स फ्रॉम यूके एक अगर क्वेश्चन पूछना है डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि यूके का कौन सा था तो उनका गोरखा राय उनके पास भी गोरखा राइफल्स है के और हमारे हमारा जो बिहार रेजिमेंट है इट पार्टिसिपेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे बन सकता है के और इसे कहां पे कंडक्ट किया गया यूके के अंदर ही साल्सबरी के पास इसे कंडक्ट किया गया नेक्स्ट यूजीसी लॉन्च एनईपी सारथी स्टूडेंट एम्बेटर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन के नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी चोजन फ्रॉम ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज ए नॉ एज दर नॉमिनेशन फॉर एनईपी सारथीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी सारथी नाम का कंसेप्ट है जिसमें कुछ एंबेसिडर अपॉइंट किया जाएंगे पर वो बच्चे ही रहे वो स्टूडेंट ही रहेंगे तो कितने स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट नॉमिनेट कर सकती है एंबेसडर एक ही बनेगा पर नॉमिनेट कितने लोग कर सकते हैं फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन सो पे तीन तीन लोग नॉमिनेट किए जाएंगे फ्रॉम ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और फिर उसमें से स्टूडेंट एम्बेसडर ये चुना जाएगा सो so यूजीसी के द्वारा ये नया कंसेप्ट है अगेन यूजीसी जगदेश कुमार सर की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इसे क्रिएट किया गया है इट आईआईटी सेंटर ऑफ़ वाटर टेक्नोलॉजी इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वाटर टेक्नोलॉजीज़ द सेंटर एम्स टू बिल्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू एंश्योर वॉटर सिक्यूरिटी फॉर द कंट्री देन माश एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू सीओडब्लू टी फॉर द अमृत मिशन सॉरी यहाँ ना कंट्री है कि ये कंट्री किस कंट्री से सो फिल इन द ब्लैंक्स मीन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ये किस कंट्री से जो एजेंसी किस कंट्री से अगेन सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू आईआईटी मद्रास यहाँ पे जलशक्ति मंत्रालय मत लिख के आना आईआईटी मद्रास है इनका एक एजेंसी के साथ टाइप हुआ ये एजेंसी एग्जैक्टली exactly किस कंट्री से है ये क्वेश्चन यहां पे सो एजेंसी बिलोंग्स टू इजराइल इजराइल से एजेंसी बिलोंग करती है सो सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास एंड इजराइल का एजेंसी टुगेदर क्रिएटिंग दिस कंसेप्ट तो यही पॉइंट यहां पे है वेरी सॉरी बिकॉज वो शायद एडिटिंग के अंदर वो पॉइंट रह गया अमृत अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तो स्मार्ट सिटीज छोड़कर जो बाकी सिटीज है उनके डेवलपमेंट के लिए ये अमृत मिशन हमारा काम करता है हमारा वर्क करता है ठीक है दैट्स इट बाकी तो इनफ रहेगा आगे बढ़ते आई एन एस वाक्शीर इज द स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट सेवन

सबमरीन है जिनको रिसेंटली क्रिएट किया गया उसमें से लास्ट सबमरीन ये नेवी को दी गई है हाउ मच वॉज द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स इन इंडिया एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेटा यस एक्चुअली वेरी सॉरी सेवेंटी फाइव चाहिए मैं वही सोच रहा था सेवनटी फाइव योर पॉइंट इज राइट सेवेंटी प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव सेवन नहीं था प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव राइट एप्सोलिटली थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी वेरी गुड वेरी गुड द डिफेंस गुड्स इन इंडिया एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेटा यस ट्वेल्व बिलियन डॉलर एप्सोलूटली सो बारह बिलियन डॉलर की यहां पे बात करेंगे सो डिफेंस गुड्स सो so, कितना प्रोडक्शन हुआ अ डिफेंस मिनिस्ट्री का ये डेटा था ओके लास्ट क्वेश्चन में बस याद रखना दोस्तों वो गलती आ, मेरे साइड से हुई अगेन मेरे ख्याल से पूरे प्रेजेंटेशन में पांच गायब है बहुत सारे जगहों पे तो या सेवेंटी फाइव योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट हमारे दोस्त ने सही पॉइंट मेंशन किया था ट्वेल्व बिलियन मार्क मीन्स वन ट्रिलियन रुपीज ओके सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा तो भी ध्यान रखेगा नहीं तो गड़बड़ हो सकती है इंक्रीज ट्वेंटी फोर परसेंटी फोर परसेंट से हुआ है, सो ये एक है, आ, बाकी तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हु फर्स्ट सऊदी टू गो इन स्पेस फोटो ऑलरेडी डाला हुआ है तो आपके लिए आंसर करना इजी रहेगा यस बरनावी मैम की बात करेंगे एंड शी इज द फर्स्ट लेडी

ये टोकनाइजेशन का मतलब क्या है देखिए, सपोज मैं कार्ड पेमेंट करता हूं तो मेरा सीवीवी सब कुछ डालना पड़ेगा कार्ड आपका आपका तो का मतलब होता है कि एक टोकन बन जाएगा आपके उस कार्ड के अगेंस्ट यू कैन जस्ट यूज दैट आपको बार बार सीवीवी नंबर डालने की जरूरत नहीं है सीवीवी होता है कार्ड के पीछे CVV, जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए याद होगा आपको के okay. साथ में so के हम करते की, या payment, तो टोकनाइजेशन के लिए ये हजार तो कब से, से रुपए या एनपीसीआई के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया इट वॉज वेरी मच इन न्यूज अभी भी न्यूज में चल रहा है ध्यान रखिएगा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके कार्ड के डेटा के अगेंस्ट एक यूनिक टोकन नंबर बनेगा एक यूनिक नंबर बनेगा सो यू यूज दैट नंबर ऑन सर्टन प्लेटफॉर्म दैट्स इट सो कार्ड ऑन फाइल का बेसिकली मतलब डिपेंडिंग ऑन द, द कार्ड्स विच आर रजिस्टर्ड विथ यू द डेटा विच वी आर विथ यू उसके अगेंस्ट एक यूनिक नंबर बनेगा कल सपोज वो सिस्टम हैक भी हो गई तो भी आपका जो डेटा है वो किसी हैकर के पास नहीं जाएगा तो आपका कार्ड डेटा विल बी सेफ तो जो फ्रॉड होते थे वो फ्रॉड रोकने को मदद मिलेगी तो 2021 में इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया ध्यान रखिएगा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई की नहीं बनाई हुई अथॉरिटी है 2008 में उस अथॉरिटी को बनाया गया दिलीप अजबेसर उस अथॉरिटी के हेड है और मुंबई में एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट विल विवलप एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वॉटर वे पंचकर्म संकल्प ध्यान दीजिए कौन सा पोर्ट है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन हब क्रिएट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट सर्बानंद सोनवाल सर पोर्ट मिनिस्टर है सो पंचकर्मा संकल्प इसके अंदर इसे डेवलप किया जाएगा हमारे पास थर्टीन मेजर पोर्ट आते हैं तो उसमें से दीनदयाल पोर्ट एंड चिदंबरम पोर्ट इन दो पोर्ट की बात हो रही है जिनको पंचकर्मा संकल्प के अंदर हाइड्रोजन हब के हिसाब से क्रिएट किया जाएगा चलो मुझे बताइए ये पोर्ट कहां पे आता है और ये पोर्ट कहां पे आता है लोकेशन बताइएगा ये दोनों पोर्ट एग्जैक्टली exactly कौन से स्टेट्स में आते हैं चलो बताइए वेरी सिंपल दीनदयाल पोर्ट एंड चिदंबरम पोर्ट फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए ये हमारे देश के मेजर पोर्ट्स के अंदर आते हैं मेजर पोर्ट्स जो थर्टीन पोर्ट्स की बात होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आते हैं और जो माइनर पोर्ट्स है छोटे पोर्ट है वो हमेशा स्टेट की अथॉरिटी के अंदर आते हैं तो यह मेजर पोर्ट है कम्स अंडर दी अथॉरिटी यस एक गुजरात में और एक तमिलनाडु के अंदर है एब्सोल्युटली दिनदार पोर्ट गुजरात एंड वी चिदम्बरम पोर्ट इन दिन तमिलनाडु ठीक है so, सो कांडला पोर्ट सो so बेसिकली कांडला पोर्ट एंड ये आपने सही कहा टूटिकोरिन के पोर्ट की बात करेंगे सो so, टूटिकोरिन का पोर्ट एंड कांडला पोर्ट ये दो पोर्ट आपके पास है ठीक है चलो सागरमाला दैट्स इट सो आई विल स्टॉप हियर एक काम करते हैं और दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ओके okay. शायद वक्त है हमारे पास कि मुझे लगा कि वक्त हो गया अभी भी वी हैव टेन फिफ्टीन मिनट्स सो वील कवर मोर क्वेश्चंस ध्यान दीजिए विच कंट्री हैज लॉन्च गेन्स 2023 टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया गेन्स एम्स टू एड्रेस द प्रेजेंट इमर्जिंग चैलेंजेस इन द शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड एम्स एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आत्मनिर्भर भारत चलो बताइए

विच इज द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द बीसीज टॉप फिफ्टी कंपनीज़ लिस्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बींग द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन द ऑपरेशन चलो आंसर कर दीजिएगा टाटा ग्रुप यस टाटा ग्रुप इज ओनली इंडियन कंपनी टॉप फिफ्टी के अंदर अभी हमने हरून की बात की थी तो मोस्ट वैल्यूड कंपनी वॉज रिलायंस के ब्रांड वैल्यूएशन के अंदर द मोस्ट वैल्यूड कंपनी वॉज एंड बीसीजी के हिसाब से इंडिया की केवल टाटा ग्रुप थी जो इसमें आई एप्पल वर्ल्ड में टॉप में आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग एप्पल वर्ल्ड में टॉप पचास कंपनी में सबसे टॉप में एप्पल है एंड यहां पे टाटा का भी नाम आपको यहां पे दिखाई देगा टाटा का स्पॉट की अगर बात करें तो ट्वेंटी uh, स्पॉट यहां पे टाटा का आता है इज द फर्स्ट पीएसयू बैंक टू ऑफर लाइव वीडियो चैट एंड लाइव वेब चैट सर्विस टू इट्स कस्टमर कर लो लाइव चैट करनी इनके साथ कर लो सो कौन सा बैंक है जिसने कस्टमर के लिए लाइव वीडियो चैट या लाइव चैट वाला वेब चैट वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया अगेन बैंकिंग क्वेश्चन आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा एब्सोल्यूटली राइट सिंपल है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं

अगर इफ यू नो दिस ये ऑटोमेटिकली तो ये हमारी प्रायोरिटी थी नहीं प्रायोरिटी हमारी यही थी कि हाउ मच अमाउंट डिविडेंड का मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनती आपके सारे लाइबिलिटीज को पूरा करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा प्रॉफिटेबिलिटी बचेगी यू विल शेयर विथ यूर द शेयर होल्डर एंड आरबीआई का ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो दे ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ मनी ठीक है बाकी तो इनफ रहेगा चलो

By which of the uh, which year does G7 partnership uh, for global infrastructure and investment aim to mobilize 600 billion in global infrastructure investments? G7, G7 का मीटिंग कहाँ पे हुआ? मोदी साहब उस मीटिंग के लिए गए थे। We are not the part of G7, India is not the part of G7, but still guest की तौर पे हमें यहाँ पे इनविटेशन मिलता है। 2027 का टाइम फ्रेम मेंशन किया गया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए 600 बिलियन मोबलाइज किए जाएंगे गैदर किए जाएंगे हिरोशिमा जापान के अंदर इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था कि, आपके <clears throat> By what percent has the airfare uh, been cut under the Udan 5.1 to make uh, flying in helicopters more affordable for passengers? Yeah. यस वेरी गुड के सो पूरे देश का आम नागरिक ठीक है मेरे ख्याल से इजी है चलो यहाँ पे आते ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीज आर द स्टेटमेंट वन टू थ्री और करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पे आंसर करना है करेक्ट स्टेटमेंट ये देखिए ऑप्शन आपके सामने चलो ध्यान दीजिए सेवेंटी फाइव रुपीज वाला जो कॉइन है के उसके अराउंड ये क्वेश्चन आपके सामने है।

यस yes, ये पॉइंट सही है इसमें तो कुछ गलत नहीं है एवरीथिंग इज राइट दिस इज आल्सो राइट एब्सोल्युटली ओके ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे सही बन जाता सॉरी फर्स्ट सेकंड इज एप्सोल्यूट राइट थर्ड की अगर बात की जाए ओके थर्ड में एक्चुअली सीन uh, क्या हुआ कि uh, यहाँ पे एडिटिंग का इशू आ गया सो so आंसर वैसे नन आर इनकरेक्ट में आ जाएगा पर यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग वाला इशू आ गया ध्यान रखेगा बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है प्लेसेस uh, भी एकदम सही थी तो कोई दिक्कत नहीं है 75 वाला जो है है उसके अंदर 0 सिल्वर, 40 के 5 निकेल, 5 जिंक की की पे बात चाहिए था कैसे आएगा ठीक है यार sorry, uh, editing का बड़ा आ गया Security, Printing and Minting Corporation of India, कुछ ना कुछ रह ही जाता है कोई बात नहीं चलो इसे लेक देख लेते ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया वेरी सॉरी फॉर दैट एडिटिंग गुफ ऑफ में उसमें चेंजेस करके आपको पीडीएफ पीडीएफ थोड़ा सा लेट भेजूंगा बिकॉज काफी जगह पर गलतियां है तो गलतियां थोड़ी सी सुधार के बाद दे क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ओके सो ध्यान रखिएगा अगेन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम कम्स अंडर ओईसीडी के सो ओईसी के इस फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को क्रिएट किया गया पैरिस में इसका हेडक्वार्टर है

Is, uh, all the are, uh, यहाँ पे क्या सीन है नाउ जो टू फिफ्टी थाउजेंड की बात करते यहां पर okay? तो यह नंबर गलत था टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दूसरा जो नियम बनाया गया था क्रेडिट कार्ड को लेकर उसे बाद में uh, चेंज किया गया उसमें बाद में बदलाव किया गया क्योंकि पहले कहा था कि टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे जो भी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करोगे सो so, उसमें बाद में बदलाव किए गए उसमें बाद में चेंजेस किए गए तो ये भी आपका रॉन्ग बन जाएगा के सो so, ये एक पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट वॉज रिगार्डिंग ट्वेंटी थाउजेंड पहले ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर्स का लिमिट था यहाँ पे कितना मैंशन किया गया था वन थाउजेंड सो द लिमिट वॉज ट्वेंटी थाउजेंड यूएसडी का लिमिट था सो दैट्स और सारे के सारे स्टेटमेंट्स तीनों के तीनों गलत है ये न्यूज इसीलिए हमने डाली बिकॉज अर्लियर फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड कि हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे बट देन दे डिसाइडेड कि नहीं वो कलेक्शन वाला उसको रोक दिया गया कि तो और एल के अंदर के अंदर स्कीम बिलोंग्स टू आरबीआई बट फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू इम्पोज द सम टैक्सेस चलो ए आई एफ एफ ग्रासरूट डे ये किसकी याद में मनाया जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जी, आंसर प्रदीप कुमार बैनर्जी सर एब्सोल्युटली राइट दैट्स इट गाइस, आई विल हियर मैं यहां पर रुक जाता हूँ सो क्वेश्चंस तो वैसे और भी थे और भी क्वेश्चन डिस्कस करने थे बट एनी uh, चलो uh, एक और चीज़ क्वेश्चन uh, में जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी आई विल टेक केयर ऑफ दोस्टेक्स एंड देन आई विल सेंड यू द पी डी एफ उसके बाद मैं आपको पी डी एफ भेज दूँगा सुपर कोचिंग के अंदर कुछ नई बैचेस हमारी लॉन्च हुई है बैंकिंग uh, और uh, इंश्योरेंस के लिए तो उन बैचेस में आप जा सकते हो देखिए बैंक एग्जाम का सुपर कोचिंग तो है ही साथ में देर आर सम बैचेस जैसे uh, आई बी क्लर्क का एक नया बैच हमारा स्टार्ट हो गया आई बी पी एस का बैच है और आई बी क्लर्क सो क्लर्क आर आरबी पी ओ क्लर्क ऐसे तीन बैचेस हमारी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं यस गैस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे यहाँ पे हम रुक जाते हैं कि uh, जो थोड़ी मिस्टेक्स थी आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट एंड विल ट्राई नॉट टू कवर डिफिकल्ट क्वेश्चन एनी मोर ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय